मेरठ के दिल्ली रोड घंटा घर कनोहर लाल कृष्ण सहाय इंटर कॉलेज स्कूल के नीचे से आ रहा गंदा नाला, गंदे पानी के साथ आ रहा गोबर और कूड़ा कबाड़ा बच्चों के प्रार्थना स्थल जहां पर बच्चे अपने स्कूल की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, वही स्थल पर गंदगी का भंडार भरा हुआ है। इंटरवल के समय बच्चे खेल का प्रयोग करते हैं, मगर वहाँ की स्थिति यह नहीं की वहाँ प्रार्थना की जाए या खेला जाए। प्रार्थना के स्थल पर 4 फुट ऊंचा स्टेज अभी गोबर व गंदगी से ढका हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर दरवाजा खुला रहता है और ताला चाबी की व्यवस्था नहीं है। यह सवाल तो था मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ का, अब सवाल है बच्चों की जरूरतों का, जहाँ बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ते हैं और पानी पीने के लिए भी खतरों का सामना करना पड़ता है। पानी पीने के लिए भी उन्हें यह सोचना पड़ता है, यदि वह पानी पीने जाए तो कहीं ईंट उनके हाथ या पैर पर ना गिर जाए। जहां टंकी बंद करने को खोलने के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है, जहां पानी पीने की कोड़ी में दुनिया भर की खाई जमा है, सफाई का नाम निशान नहीं है, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत में सफाई अभियान पर भाषण दे दे के परेशान है।